वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बिजली संबंधी दिक्कतों को लेकर के बिजली आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है कि आपने नो कट नो बिल 24 घंटे फ्री बिजली का नारा दिया है। अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और इसलिए हम जनता के साथ मिलकर के आंदोलन करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का नारा है नो कट नो बिल 24 घंटे फ्री बिजली। हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए हरियाणा में बिजली आंदोलन शुरू कर रहे हैं। चारों तरफ से बिजली की जो समस्या जस की तस बनी हुई है, खट्टर सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, हुड्डा सरकार ने भी पहले कोई ध्यान नहीं दिया था। 9 साल के अंदर बिजली की खपत बढ़ते बढ़ते 2,63,00,000 यूनिट प्रतिदिन पहुंच गई है, परंतु हरियाणा सरकार लगातार मांग को पूरा करने में असमर्थ है। आधुनिक जीवन कितना बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है ये हम सब जानते हैं। गांव से लेकर के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर बिजली नहीं है तो सब कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया रुकी है। और वैसे में अगर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त ना की जाए, सरकार के पास अभी ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मौका नहीं था। 9 साल सरकार के बीतने को है और पहले की सरकारों ने भी जैसा किया वो एक अलग मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि आज बिजली के बिल तो फुल है लेकिन बिजली फुल है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये मिलकर के फैसला किया कि हम इस बिजली के आंदोलन को जनता के साथ मिलकर के जनता का आंदोलन बनाएंगे। क्यों?